नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी बंगाल स्पेशल भापा दही, यानी कि स्टीमी योगर्ट। वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स में। तो पूरा रेसिपी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को फुल तक जरूर देखना। स्टीमी योगर्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ठीक दही। अगर आपके पास ठीक दही नहीं है तो आप प्लेन दही को सूती कपड़े में छान लेना और उसके अंदर से सारे पानी को निचोड़ लेना। आपको ऐसे ठीक दही मिल जाएगा। साथ में कंडेंस मिल्क, जितना दही उसका आधा परिमाण कंडेंस मिल्क का जरूरत होगा। लास्ट में डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा चॉप्ड आमंड। पहले हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल लेके उसके अंदर एक कटोरी ठीक दही डालेंगे। 400 ग्राम प्लेन दही के अंदर से पानी निचोड़ के मुझे एक बोल ठीक दही मिला। दही को थोड़ा सा घोल लेने के बाद हम इसके अंदर आधा कटोरी कंडेंस मिल्क डालेंगे, जितना दही उसका आधा परिमाण कंडेंस मिल्क का जरूरत होगा। ये दो चीजों को अच्छे से घोल के हमें एक स्मूथ बैटर बनाना है। दही को स्टीम करने के लिए मैं एक स्टील का टिफिन बॉक्स का इस्तेमाल करूंगी। अगर आप कटोरी का इस्तेमाल करोगे तो आपको ढक्कन के जगह एल्युमिनियम फॉइल शीट का जरूरत होगा। अब एक बैटर से हम ये पूरा टिफिन बॉक्स को भर देंगे। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि ऊपर के लेयर शमन हो जाए और टिफिन बॉक्स के ढक्कन हम बंद कर देंगे। दही को स्टीम करने के लिए हमें कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के 1/3 पोर्शन हम पानी से भर देंगे। इसके ऊपर हम एक स्टैंड बिठाएंगे और स्टैंड के ऊपर एक टिफिन बॉक्स को रख के कढ़ाई को कवर कर देंगे और इसको 35 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। बीच में ढक्कन को खोल के चेक कर लेना कि पानी सूख गया कि नहीं। अगर सूख गया तो थोड़ा सा पानी ऐड करना। लगभग 35 मिनट के बाद हम कवर को खोल के इस टिफिन बॉक्स को निकाल लेंगे। इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के बाद खोल के चेक कर लेना कि ये दही अच्छे से जमा कि नहीं। हमारी दही तो अच्छे से जम गया। अगर आपके दही अच्छे से जम नहीं गया तो इसको और थोड़ी देर तक स्टीम करना। फिर हम इसको फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। 30 मिनट बाद इसको फ्रिज से निकाल के खोलना है। आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब हम एक प्लेट के ऊपर इसको उल्टा कर देंगे, एकदम राउंड शेप में इजीली निकल आएगा। ये देखिए ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। इसके ऊपर एक चॉप्ड आमंड डाल के हम इसको डेकोरेट करेंगे। आप चाहो तो आमंड के जगह ड्राई फ्रूट या पिस्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे इसका टेस्ट भी और लेवल पे आ जाएगा। तो रेडी हो चुकी है बंगाल स्पेशल भापा दही, यानी कि स्टीम योगर्ट। ये डेजर्ट देखने में जितना ज्यादा ब्यूटीफुल है उतना ज्यादा स्मूथ, सिल्की एंड टेस्टी है। मुंह में डलते ही ये घुल जाएगा। ये डेजर्ट को घर में जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये रेसिपी कैसा लगा। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। शुक्रिया।